Hello students, welcome to another class of wildlife. अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है अबाउट स्पीशीज़, डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस, और लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे दैट वॉज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस. तो बेसिकली वेन एवर वी स्टडी अ स्पीशीज़ वाइल्ड लाइफ में जब हम बात करते हैं तो हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, स्पीशीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल्स. और सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज़ वी टॉक अबाउट अ पॉपुलेशन. ठीक है, सो बेसिकली मोर और लेस वन वे और द अदर एंड एवरी नाउ एंड देन वी विल बी डीलिंग विद स्टडीज़ अबाउट पॉपुलेशन. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन वी टॉक अबाउट स्पीशीज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज टॉक अबाउट पॉपुलेशन एंड सो दीज दिस इज स्पीशीज इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन इफ वी कैन से दिस इन सिंपल वर्ड्स. आज ये वाला जो हमारा चैप्टर है दैट इज नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी डीलिंग विद हाउ do we study a population. ठीक है, so basically this chapter is divided into two portions, the population parameters and demographic techniques. So first we will be discussing about population parameters, that what are the aspects or parameters of a population that we have to have a concrete knowledge about those parameters. Until and unless we are not aware of them, we are unable to study a population, and ultimately we are unable to study a species. And when we are unable to study a species, we cannot plan a conservation planning. We can't do conservation, and which is the ultimate goal of studying wildlife and populations. So and then we will go towards demographic techniques. What is demographic techniques? So studying the population on individual level. Theek hai, like population ki hum baat karte hain, species ki baat karte hain, so basically they are brought about by individual animals. So when we talk about studying population, we will be studying population on individual level. So for that we need different techniques, jisko hum wildlife techniques, aur yahi se hamara jo next portion hoga wildlife study techniques ka, wo bhi hum is chapter se continue karenge. Aur hamara jo next main portion hoga is syllabus ka, that will be connected with this chapter. सो हम पॉपुलेशन पैरामीटर से टेक्निक्स की तरफ जाएंगे एंड देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ टेक्निक्स एंड देन विल गो थ्रू द कोर्स. ओके, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के जो पढ़ने ज़रूरी हैं. टू समराइज व्हाट वी विल बी डीलिंग इन दिस चैप्टर, सो इनको जितने भी आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समराइज किया गया है. सो individuals are clearly defined in unitary organisms such as deer, but less clearly defined in modular organisms of variable size such as grasses. अच्छा, सबसे पहले तो population के अंदर organisms के basically दो main types हैं, unitary organisms and modular organisms. Very simple, अगर हम कहें तो जो terrestrial mammals होते हैं हमारे पास, जो terrestrial animals होते हैं, अगर terrestrial ना भी हो अगर आप तो वो organisms जो कि individual form में होते हैं, they are clearly defined, like for example deer हो गए, lions, लेपर्ड्स, और जितने भी कार्निवोर्स हो गए, तो ये सारे यूनिट फॉर्म, लाइक सेपरेट इंडिविजुअल के फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. सो दे आर यूनिटरी ऑर्गेनिज्म, दे आर क्लियरली डिफाइंड, उनको स्टडी करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू लेस क्लियरली डिफाइंड मॉड्यूलर ऑर्गेनिज्म. मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, जो कि क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, वेरिएबल साइज में होते हैं, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्जर ग्रुप्स. सो बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि ओके, ये तो ज़्यादा ईजी होगा बिकॉज दे आर लार्जर ग्रुप्स, बट नो, दे आर नॉट क्लियरली डिफाइंड एज ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रासेज की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, सो ग्रासेज आर प्रेजेंट इन लार्ज ग्रुप्स, और जिसको हम आगे जा कर के पढ़ेंगे उसमें है
कुछ उसके दो टर्म्स हैं, रेमिट्स के फॉर्म में होते हैं और रेमिट्स एंड इसी तरह एक और टर्म है, ओके वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके नाउ सेकंड इज पॉपुलेशन अबंडेंस रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटीग्रेशन ऑफ फोर प्राइमरी पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ये है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो हम पढ़ेंगे, लाइक पॉपुलेशन एबंडेंस। एबंडेंस की हमने बात की थी कि द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन अ इन एन एरिया, इन एन एनवायरमेंट, इन एन इकोसिस्टम, उसको हम एबंडेंस कहते हैं। तो हाउ एबंडेंटली एन ऑर्गेनिज्म विल बी फाउंड, वी कॉल इट पॉपुलेशन एबंडेंस। सो द एबंडेंस रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटीग्रेशन ऑफ द फोर प्राइमरी पॉपुलेशन पैरामीटर्स। प्राइमरी पॉपुलेशन पैरामीटर्स है नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, वो आगे जाके हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एज स्पेसिफिक नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स, नेटेलिटी मीन बर्थ, ठीक है सिंपल, मोर्टेलिटी आप जानते हैं, इमिग्रेशन माइग्रेशन इन टू द पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन माइग्रेशन आउट आउटवर्ड्स द पॉपुलेशन। सो एज स्पेसिफिक नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स फॉर एनी पॉपुलेशन कैन बी समराइज क्वान्टिटेटिवली। अब ये नेटेलिटी रेट्स, मोर्टेलिटी रेट्स, इनको क्वान्टिटेटिवली समराइज किया जाता है इन फर्टिलिटी शेड्यूल्स एंड लाइफ टेबल्स। हम ये पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, फर्टिलिटी शेड्यूल्स एंड लाइफ टेबल्स हम पढ़ेंगे। ये दो बेसिकली क्या है कि मोर्टेलिटी रेट और नेटेलिटी रेट को क्वांटिटेटिवली, न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली उनको समराइज करना, उनको स्टडी करना, उनको कैलकुलेट करना, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्टिलिटी शेड्यूल्स एंड लाइफ टेबल्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ द इंट्रिंसिक कैपेसिटी फॉर इंक्रीज, ये एक वैल्यू है, एक जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इंट्रिंसिक कैपेसिटी फॉर इंक्रीज ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, हम बाद में जाएंगे, बट इट समराइज द नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी शेड्यूल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक है नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स जो कि लाइफ टेबल्स और फर्टिलिटी शेड्यूल्स हैं, एक है मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी शेड्यूल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड फोरकास्ट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंप्लिसिट दीज शेड्यूल्स। अच्छा फिर ये किस शेड्यूल में होते हैं? अब ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी मोर्टेलिटी है, नेटेलिटी है, ये सब जो है किस पैटर्न से होते हैं, किस शेड्यूल से अकर होते हैं। सो दे बेसिकली फोरकास्ट मीन के हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरफ जा रही है, पॉपुलेशन आया ग्रो करेगी फ्यूचर में और रिड्यूस करेगी फ्यूचर में। सो दिस इज़ द इंट्रिंसिक कैपेसिटी फॉर इंक्रीज, ये हम पढ़ेंगे। एंड द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटर्मिंड बाय दीज रेट्स ऑफ नेटेलिटी एंड, इसी तरह एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन स्टडीज में पॉपुलेशन या ग्रुप स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट एज के कितने ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स हैं, कौन सी एज के ऑर्गेनिज्म्स इंडिविजुअल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, एडल्ट्स ज़्यादा है, सब एडल्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक हो गया। सो न्यूली बर्न जो है वो ज़्यादा है, ये सारा कुछ जो है हम पढ़ेंगे इसमें द एज स्ट्रक्चर। ओके फर्स्ट पार्ट ऑफ द, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। बट कुछ की टर्म्स हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, यू मस्ट मेमोराइज देम, यू मस्ट लर्न देम, ठीक है। तो हम इसे गो थ्रू होते हैं, देन वी विल बी जंप इन टू आवर टॉपिक विच इज़ द पॉपुलेशन स्टडी एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। अच्छा अब यहाँ पे अभी तक हमने जितना पढ़ा देट वॉज डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस। अच्छा एबंडेंस हमने यहाँ पे एबंडेंस और डेंसिटी में बेसिक डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। तो क्या बेसिक डिफरेंस है एबंडेंस और डेंसिटी में? एबंडेंस इज द चांस ऑफ फाइंडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम और इन एरिया के
एक एनिमल कितना पाया जाता है, ज़्यादा वो मौजूद है उधर या कम है, उसकी प्रेजेंस कितनी है, एक उसको हम एबंडेंस कहते हैं, जिसको हम बाय नंबर शो करते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा एरिया है और उसमें जैसे हमने कहा था कि चित्राल गोल नेशनल पार्क में कितने मारखोर के इंडिविजुअल होंगे, सो दिस इज एबंडेंस। अब एब्सोल्यूट, अब डेंसिटी क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को हमने स्पेसिफाई किया यूनिट एरिया के साथ, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर अगर छोटे ऑर्गेनिज्म हैं तो पर स्क्वायर मीटर भी ले सकते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर माइल, डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स होते हैं। सो डेंसिटी आपको पहले से पता है कि द अमाउंट ऑफ एनीथिंग या द नंबर ऑफ एनीथिंग पर स्क्वायर या पर यूनिट एरिया और या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, अगर आप एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं तो आप पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है फिर, और अगर आप टेरिस्ट्रियल एनिमल्स ले रहे हैं, हायर एनिमल्स हैं, सो यू नीड पर यूनिट एरिया नॉट वॉल्यूम। ओके, सो दिस एब्सोल्यूट डेंसिटी, फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव हम आगे अभी एंड में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, बिग बैंग रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन बर्स्ट रादर देन रिपीटेड मैनर। अच्छा, इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनकी प्रोडक्शन बल्क में होती है, एक बर्स्ट में वो प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं रादर देन रिपीटेड मैनर। जो नॉर्मल टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें रिपीटेड मैनर में लाइक इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि बर्स्ट में बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। सो बिग बैंग रिप्रोडक्शन। डैम, डैम क्या है, अ पॉपुलेशन जेनेटिक यूनिट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट ब्रीड विद वन अनदर, अ जेनेटिक पॉपुलेशन। अच्छा, ये क्या है, पॉपुलेशन के अंदर एक लोकल पॉपुलेशन, हम वो इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स का, तो उसमें ये पढ़ेंगे कि एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ इन अ लार्जर एरिया, तो पॉपुलेशन फिर डिवाइडेड होते हैं पैचेज में, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि पॉपुलेशन पैचेज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर तो एवरी लोकल पैच और एवरी लोकल पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ डैम। डैम बेसिकली क्या होता है, ये जेनेटिक यूनिट है। वाई इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक यूनिट, बिकॉज ये जेनेटिक यूनिट इस वजह से होता है कि ये क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल जो कि बहुत ही क्लोजली रहते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है, इंटरब्रीडिंग बहुत होती है, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिक पॉपुलेशन इसको कह सकते हैं, ठीक है, दैट ब्रीड विद वन अनदर, इंडिविजुअल दैट जो आपस में ब्रीड करते हैं, ज़्यादा ब्रीड करते हैं, तो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, सो वी कॉल इट अ जेनेटिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन और अ डैम। ओके, इमिग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ एन एरिया ऑक्युपाइड बाई द पॉपुलेशन, टिपिकली द साइट ऑफ द बर्थ और हैचिंग, जहाँ से एनिमल की बर्थ होती है और या जहाँ से वो हैच होते हैं, जहाँ पे वो पैदा होते हैं, वहाँ से आउटसाइड मूवमेंट को हम कहते हैं इमिग्रेशन, जो उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। माइग्रेशन इज़ अनदर टॉपिक, वो आपने एनिमल बिहेवियर में पढ़ा है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इमिग्रेशन आउट, माइग्रेशन, माइग्रेटिंग आउटसाइड ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन उसके रिवर्स है, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन टू एन एरिया ऑक्यूपाइड बाई द पॉपुलेशन। ओके, इंट्रेंसिक कैपेसिटी फॉर इंक्रीज हमने अभी पढ़ लिया, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। द पोटेंशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन दैट कंबाइन द लाइफ टेबल एंड फर्टिलिटी शेड्यूल विद द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या है कि पॉपुलेशन ग्रो किस स्पीड से करेगा, तो ये हमें बताएगा लाइफ टेबल और फर्टिलिटी शेड्यूल के थ्रू हमें पता चलेगा कि आया ये पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है, इंक्रीज की तरफ और डिक्रीज की तरफ। लाइफ टेबल क्या है, द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी शेड्यूल ऑफ अ पॉपुलेशन, द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी शेड्यूल ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है उसमें मोर्टेलिटीज होती हैं, ये मोर्टेलिटी किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, किस में कम है, एडल्ट्स ज़्यादा मर रहे हैं या सब एडल्ट्स या यंग्स या जो है जो
फुली मेच्योर एडल्ट्स हैं। ये सारा कुछ हम लाइफ टेबल में डिस्कस करते हैं। मीन लेंथ ऑफ अ जनरेशन, सो द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द बर्थ ऑफ अ फीमेल एंड हर ऑफस्प्रिंग। अच्छा, मीन लेंथ ऑफ जनरेशन क्या है? जनरेशन लेंथ उसको कहते हैं कि एक फीमेल है किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन में जो फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल्स के बर्थ से लेकर उसके फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, जब वो फर्स्ट टाइम फर्टिलाइज करके विल गिव बर्थ, तो फर्स्ट बर्थ ऑफ हर ऑफस्प्रिंग एंड हर ओन बर्थ के बीच में जो लेंथ है, अब ये लेंथ वेरी करता है बिकॉज कुछ फीमेल्स जल्दी प्रोड्यूस करेंगी, कुछ लेट प्रोड्यूस करेंगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक अ हार्ड एंड फास्ट रूल। नॉर्मली तो अगर हम वाइल्ड में देखें तो उसमें यह है कि एक ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग एज है, जो मेच्योरिटी है, उसके बाद पूरी पॉपुलेशन में ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट फिर भी इट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ, ऑन द फिजिक ऑफ द फीमेल्स, फीमेल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये क्या है, इसका एवरेज जब हम लेते हैं पूरे पॉपुलेशन का, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव रेट और नॉट वैल्यू कहते हैं, आर वैल्यू इसको सिंपली कहते हैं। देन रिप्रोडक्टिव वैल्यू, एक है रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है, वो ये है कि एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, सॉरी हमने पढ़ा अबाउट मीन लेंथ ऑफ अ जनरेशन, फिर है रिप्रोडक्टिव रेट और आर नॉट द एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर फीमेल और रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसको हम रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी फीमेल्स हैं, तो सारे ऑफस्प्रिंग्स का हम एवरेज लेते हैं फीमेल्स के साथ, तो एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर फीमेल, लाइक हर फीमेल कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है एक पॉपुलेशन, उसको हम रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं और रिप्रोडक्टिव रेट कहते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव वैल्यू क्या है? द कंट्रीब्यूशन एन इंडिविजुअल फीमेल विल मेक टू द फ्यूचर पॉपुलेशन। अच्छा, अब एक इंडिविजुअल फीमेल कितना कंट्रीब्यूट कर रही है फ्यूचर पॉपुलेशन में, इसको हम रिप्रोडक्टिव वैल्यू कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो दिस चैप्टर डिस्कस सम टेक्निक्स यूज टू एस्टिमेट डेंसिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। पूरी स्टोरी इस चैप्टर की वो क्या है कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों वो समझते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डिटर्मन द एंड एस्टिमेट डेंसिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम एक पॉपुलेशन में क्या करते हैं, हमारा मेन पर्पज़ ये है कि पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं कि डेंसिटीज के कितने ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल्स, किस स्पीशीज के कितने किस ट्रेंड में वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए फिर हम टेक्निक्स, वो टेक्निक्स हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक टेक्निक्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेंसिटीज। सो हमारा जो की वर्ड है, जो मेन फोकस है, दैट इज डेंसिटी एस्टिमेशन। उससे पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन के कौन से वो पैरामीटर्स हैं। ओके, द पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ स्टडी। तो सबसे पहले जब पॉपुलेशन को फिर से ज़रा डिफाइन कर लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है। सो अ पॉपुलेशन मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे स्पेशल एंड टेम्पोरल रिलेशनशिप है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर टाइम में एक साथ रहते हैं, सो वी कॉल इट अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो ग्लेशियर नेशनल पार्क में डियर की पॉपुलेशन, ठीक है, एक जैसे हमने कहा कि मारखोर की पॉपुलेशन इन चित्राल गोल नेशनल पार्क, इसी तरह ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे। अब ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है तो एक एरिया हो गया, ठीक है, तो इसी तरह नेशनल पार्क उससे छोटा एक ज्योग्राफिकल एरिया है, तो लेकिन फिर भी उसमें हमारे पास पॉपुलेशन होती हैं। सो फॉर सेक्शुअली reproducing organisms, the population may be subdivided into local populations called dens.
अब जो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पॉपुलेशन सब डिवाइड हो जाती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फ्रेगमेंटेशन होती है हैबिटेट्स की, बीच में कोई रोड जो है कंस्ट्रक्शन हो गई किसी रोड की, या कोई एक्सीडेंटली कोई रिवर बन गया, ठीक है। आपने टैक्सोनॉमी स्पीसीएशन पढ़ी होगी, ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंदर उसमें यही होता है कि स्पीसीएशन एक्सीडेंटल भी हो सकती है, कि कोई कैटेस्ट्रोफी आई और दो पॉपुलेशन के बीच में, एक पॉपुलेशन के बीच में एक रिवर बेल्ट हो गया तो वो आइसोलेट हो गए, जिसको हम फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स कहते हैं, फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप्स कहते हैं। सो दे फॉर्म, दे आर सब डिवाइडेड इनटू लोकल पॉपुलेशंस कॉल्ड डेम्स, व्हिच आर ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, द स्मॉलेस्ट कलेक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट और एनिमल पॉपुलेशन। और फिर इंडिविजुअल एंड लोकल पॉपुलेशन शेयर अ कॉमन जीन पूल। जीन पूल क्या है कि एक ऐसा पॉपुलेशन पैच और लोकल पॉपुलेशन जिनमें कॉमन जीन्स पाए जाते हैं, सारे जो पॉपुलेशन के अंदर सेम जीन है। सो द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पैच और पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन वी कॉल इट अ जीन पूल। तो दोनों के वो इंडिविजुअल्स आपस में सेम जीन्स शेयर करते हैं, उनमें सेम जेनेटिक ट्रेट्स होती हैं बिकॉज दे शेयर सेम जीन पूल। ओके, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत है, ज़रूरी है डिस्कस करना, दैट इज़ के पॉपुलेशंस एज यूनिट्स ऑफ स्टडी हैव रिसीव्ड अ गुड डील ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इकोलॉजिस्ट्स एंड जेनेटिसिस्ट्स। अच्छा, अब पॉपुलेशंस एज अ यूनिट ऑफ स्टडी, ये सिर्फ ये नहीं है कि इकोलॉजिस्ट्स का काम है कि वो सिर्फ इन्वायरमेंटल इंडिविजुअल्स को काउंट करना, जैसे हमने पढ़ा कि डेंसिटी फाइंड करना और डिफरेंट टेक्निक्स जो हम पढ़ेंगे, दे आर बेसिकली इकोलॉजिकल टेक्निक्स। सो नॉट जस्ट इकोलॉजिकल टेक्निक्स, काउंटिंग एनिमल्स और लाइक स्टडिंग एनिमल्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी अबंडेंस, नो, बट आल्सो जेनेटिसिस्ट। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कैमरा वर्क और फील्ड वर्क और जस्ट कैमरा ट्रैप्स एंड ऑक्यूपेंसी सर्वेज एंड साइंस सर्वेज एंड काउंटिंग एनिमल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। नो, वाइल्ड लाइफ हैज़ इमर्ज्ड इनटू अ न्यू एज ऑफ वाइल्ड लाइफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स यूज़ करके जेनेटिक सैम्पलिंग करते हैं, और उससे जो है हम बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पॉपुलेशन। अमंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न एवोल्यूशनरी थियोरी आर द आइडियाज दैट नेचुरल सेलेक्शन एक्ट्स ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एंड दैट थ्रू नेचुरल सेलेक्शन पॉपुलेशन इवॉल्व। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कंजर्वेशन, तो चलो एक रिजल्ट है वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ का कि हम एनिमल्स, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं, बट नॉट जस्ट, बट के एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि डार्विनियन थ्योरी क्या कहती है, नेचुरल सेलेक्शन क्या कहता है कि स्मॉल स्केल वेरिएशंस इन इंडिविजुअल्स, और नेचर उस पर एक्ट करता है, इंडिविजुअल्स पर एक्ट करता है नेचुरल सेलेक्शन, और फिर फिटेस्ट इंडिविजुअल्स सेलेक्ट होते हैं, नेचुरली सेलेक्ट होते हैं, और फिर उसी के बेस पे पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। तो द फील्ड्स ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स हैव मच इन कॉमन। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अब देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल सेलेक्शन एक्ट करता है इंडिविजुअल पे, बट रिजल्ट हमें शो होता है एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आप नहीं देखते कि किसी कोई स्पीशीज है कि उसके तीन इंडिविजुअल्स नेचुरली सेलेक्ट हो गए और बाकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, और नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ तीन इंडिविजुअल्स चले गए या चार चले गए, और पिछले जो 100 इंडिविजुअल नहीं। नेचुरल सेलेक्शन ऐसे एक्ट करता है कि इंडिविजुअल्स पे एक्ट करता है, लेकिन इफेक्ट उसका थ्रू आउट द पॉपुलेशन शो होता है कि पॉपुलेशन सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। वो सारा जो है फिर फिटनेस बेनिफिट है और रिप्रोडक्टिव सक्सेस वगैरह वगैरह, उसके डिटेल में नहीं जाते। ओके, नाउ सो द फील्ड्स ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ जेनेटिक्स आर बेसिकली दे आर मच इन कॉमन। दोनों का पर्पस जो है वो पॉपुलेशन स्टडी है, तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। सो द पॉपुलेशन हैज ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेटिस्टिकल मेजर्स दैट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि
हमने पढ़ा कि ओके नेचुरल सेलेक्शन का रिजल्ट हमें शो होता है इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं जो कि हम इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इंडिविजुअल पे डेंसिटी नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ यूनिट एरिया। यहाँ पे अब क्या है, कलेक्टिव बात हो रही है, पॉपुलेशन का डेंसिटी, अबंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारे जो है ये क्या है, ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, ये इंडिविजुअल पैरामीटर्स नहीं है। माइग्रेशन जो है, इमिग्रेशन हो या इमिग्रेशन हो, वो एक इंडिविजुअल नहीं करता, वो पॉपुलेशन करती है, ठीक है, लार्जर ग्रुप्स में होता है। सो द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज द डेंसिटी, एंड दिस चैप्टर विल डिस्कस हाउ टू एस्टिमेट डेंसिटी। अब क्या है, बात यह है कि बेसिकली ये डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक है जो कि हम इस चैप्टर में इट डील्स, और जो हमारी बेसिक वाइल्ड लाइफ की जितनी भी रिसर्च है और स्टडीज़ है वो बेसिकली बेस ही करती है इस पे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ओके, सो द फोर पॉपुलेशन पैरामीटर्स दैट चेंज डेंसिटी। अब डेंसिटी पे कौन से पैरामीटर्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डेंसिटी को, ठीक है। स्पीशीज़ की डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, तो वो डिपेंड करती है फोर पॉपुलेशन पैरामीटर्स पे, जिसको हम प्राइमरी पैरामीटर्स कहते हैं, दैट इज़ नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। आइए हमने स्टार्ट में भी पढ़ा, तो एग, सीड और स्पोर प्रोडक्शन और बर्थ्स, जिसको हम सिंपली बर्थ्स कहते हैं, बर्थ, लाइव बर्थ भी हो सकती है, एग्स के थ्रू हैचिंग भी हो सकती है, सीड जर्मिनेशन भी हो सकती है, स्पोर प्रोडक्शन भी हो सकती है, ऑल दीज आर अंडर नेटैलिटी। मोर्टैलिटी उसके अपोजिट है डेथ्स, डेथ्स तो सेम फिनोमेना है सबके लिए, वो एक पैरामीटर है, वो डिपेंड करता है। इसी तरह इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन अगेन उसके रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इन एडिशन टू दीज एट्रीब्यूट्स, अच्छा, वन कैन डिराइव सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अच्छा, कुछ सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, बट उनका थोड़ा इनडायरेक्ट रोल होता है। सो सच एज एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम पॉपुलेशन स्टडीज कहते हैं, एज ग्रुप्स, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेनेटिक कंपोजिशन एंड पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पेस, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स है। नॉट दैट दीज पॉपुलेशन पैरामीटर रिजल्ट्स फ्रॉम अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स। अब ये सब इंटरकनेक्टेड है कि फिर पॉपुलेशन पैरामीटर्स इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स से बनते हैं। ओके, यूनिटरी एंड मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स के डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लें आप लोग कि पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स टू फॉर्म में होंगे, यूनिटरी और मॉड्यूलर। यूनिटरी अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिसको आप अलग अलग स्टडी कर सकते हैं इंडिविजुअल्स बेस पे, और जिनको आप इंडिविजुअल बेस पे स्टडी नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल यूनिटरी ऑर्गेनिज्म में टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, बड़े एनिमल्स, फिशेस हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है। अब मॉड्यूलर क्या है कि वो बड़े ग्रुप्स में पाए जाते हैं एंड इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी देम इंडिविजुअली, लाइक ग्रासेस हो गई, श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, ये छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह, ठीक है, तो नो नीड टू गेट इन टू इट्स डिटेल। नाउ एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं पॉपुलेशन के डेंसिटी को। नाउ इनको हम एस्टिमेट कैसे करेंगे, ये हमारा जो मेन मुद्दा है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं, दैट इज एस्टिमेशन। अब हम हवा में नहीं कह सकते कि अच्छा ये पैरामीटर्स हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये ज़्यादा होगा तो ये होगा या जो भी है। नो, वी हैव टू साइंटिफिकली रिलायबल एंड ऑथेंटिक एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है। सो द व्हेन वी आस्क व्हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हैज गॉन अप और गॉन डाउन इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, वी आर आस्किंग विच वन और मोर ऑफ दीज प्राइमरी पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैज चेंज्ड। अच्छा, एक पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है, दैट डिपेंड्स ऑन Which one of those primary population parameters has changed? कौन सा population parameter change हुआ है primary? Mortality ज़्यादा हो रही है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, रफली कह सकते हैं कि अच्छा नेटेलिटीज़ ज़्यादा है, मोर्टेलिटीज़ कम है। अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि मोर्टेलिटीज़ ज़्यादा है, नेटेलिटीज़ कम है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इमिग्रेशन ज़्यादा है या इमिग्रेशन ज़्यादा है। तो अब ये डिटर्मिन करेंगे हमारे पास ये डेंसिटी। सो इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन ब्रीफली द मेथड्स एम्प्लॉयड इन एस्टिमेटिंग दीज वाइटल स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, ये नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, ये सब हम इसको हम कहते हैं वाइटल स्टेटिस्टिक्स। वाइटल स्टेटिस्टिक्स, वाइटल मीन इम्पॉर्टेंट, लाइक लाइफ के साथ कनेक्ट करता है ये, कि वेरी बेसिक लाइफ स्टेटिस्टिक्स। सो अब यहाँ पे देखें, देखें, अच्छा हमने बात की कि एस्टिमेशन ऑफ डेंसिटी, कहने को तो ये बड़ा एक सिंपल पॉइंट है कि ओके कर लेंगे एस्टिमेट, बट हाउ? दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड हैविंग अपरेटस, लाइक लेबोरेटरी के अंदर बस आप अपरेटस के साथ खेल, यू आर डीलिंग विद नेचर। नेचर इज़ नेवर स्टैटिक, नेचर इज़ डायनेमिक। और फिर उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, सो यहाँ से साइंस स्टार्ट होती है वाइल्ड लाइफ की, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी वो क्या है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। हमने कहा कि नेचर इज़ एवर चेंजिंग, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स डायनेमिक, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इस स्कीमेटिक डायग्राम में हम ज़रा इसको स्केच आउट करेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखें, पॉपुलेशन है हमारे लिए मैटर करता है, पॉपुलेशन को हम क्यों स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि आया ये पॉपुलेशन, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, ये आगे किस तरफ जाएगी, ये पॉपुलेशन हेल्दी पॉपुलेशन है या इट इज़ थ्रेटन्ड पॉपुलेशन, ठीक है, आगे बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये चार प्राइमरी पैरामीटर जो है हम इसको देखेंगे। तो वो क्या है, वो है बर्थ्स, जिसको हम नेटेलिटी कहते हैं, एंड डेथ्स, मोर्टेलिटी, देन इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। अच्छा, इसकी इसका ट्रेंड क्या है, ये कौन से किस ट्रेंड्स के साथ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। और फिर पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम टी एंड पॉपुलेशन एट अ टाइम टी प्लस वन। हमने टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने एक टाइम पे पॉपुलेशन को स्टडी किया और हमने दूसरे टाइम पे फिर उसको दोबारा स्टडी किया, जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल रिलेशनशिप, कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, वो डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन द स्टडी। तो पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक टाइम पे और दूसरे टाइम में, ये सारा जो है इस पे इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, ये बर्थ्स, इमिग्रेशंस एंड डेथ्स एंड इमिग्रेशंस, ये क्या है, इनमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स कॉमन हैं, लाइक क्लाइमेट, प्रिडेशन, कंपटीशन, फूड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स, डिजीजेज, सोशल फैक्टर्स, ठीक है, लाइक ह्यूमन डिस्टर्बेंस इज़ अ सोशल फैक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ में। हम पढ़ते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम पढ़ेंगे अगर टाइम मिला उसके बारे में भी। इसी तरह ये दोनों तरफ से इफ़ेक्ट करता है ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। सो बेसिकली वी हैव टू लुक इन टू दीज थिंग्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जिक्र हुई है, वो ये है कि द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेटिंग डेंसिटी बाय कंसीडरिंग द अप्रोक्सीमेट डेंसिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचर। अच्छा, अब क्या है, डेंसिटीज ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा कि नेचर एज अ होल डायनेमिक है, फिर ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली उनमें, उनके डेंसिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है विद इन द सेम पॉपुलेशन। तो द
अब हम उसको ज़रा इस टेबल के साथ डिस्कस करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि द टू फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स दैट अफेक्ट आवर चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर पॉपुलेशन एस्टिमेशन आर द साइज एंड मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। अब जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए या डेंसिटी एस्टिमेशन के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विच टेक्निक्स, चॉइस ऑफ टेक्निक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे, बिकॉज इट्स लाइक पॉपुलेशन आर, अगर हम एक नेशनल पार्क की बात करें, अगर हम फॉर एग्जाम्पल आई हैव वर्कड इन मागला हिल्स नेशनल पार्क, सो मागला हिल्स नेशनल पार्क इज स्प्रेड ओवर 170 square kilometers, इट्स अ ह्यूज एरिया, तो यू नीड मंथ्स टू स्टडी द एंटायर नेशनल पार्क, बट स्टडी हमारी लिमिटेड होती है लाइक अ मंथ और टू मंथ्स, ठीक है। तो उसमें इतने बड़े एरिया को कवर करना अकॉर्डिंग टू द रिसर्च क्वेश्चन, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के कहाँ पे आकर के हमने ये डिसाइड करना है कि विच टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड, ठीक है। अब ये डिसीजन, ये सिंपल डिसीजन नहीं है, ठीक है, इसके लिए हमें डेंसिटीज़ को देखना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, एक ही नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर आप देखें कि एक ही पॉपुलेशन है, एक ही इकोसिस्टम है, उसमें अगर आप स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डायटम्स वगैरह देखें तो वो इतने तादाद में होते हैं पर स्क्वायर मीटर और पर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ठीक है। डायटम्स हैं तो हम ये एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको हम वाटर में बाय वॉल्यूम स्टडी करते हैं। इस तरह सॉइल आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो होंगे आपके पास 5 lakhs पर मीटर स्क्वायर में, सॉइल में आपको इतने आर्थ्रोपोड्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बर्नेकल्स हैं, ट्रीज हैं, फील्ड माइस। अब थोड़ा आप बाहर की तरफ जाते हैं तो अब देखिए डेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है, जितना जितने ऑर्गेनिजम्स हायर होते जाते हैं उतनी ही डेंसिटी कम होती जाती है। तो आप यू हैव टू डिसाइड लाइक फॉर व्हाट डेंसिटी एंड फॉर व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स, एनिमल्स, विच टाइप ऑफ सर्वे, विच टाइप ऑफ टेक्निक यू हैव टू यूज। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या देखनी है कि द साइज एंड द मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, के ऑब्वियसली साइंटिस्ट आप लोग ह्यूमंस हो तो यू हैव टू डील विद एनिमल्स विद योर कंसर्न। तो अब क्या है मोबिलिटी एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब साइज ऑर्गेनिज्म का साइज अगर ह्यूमन के हिसाब से छोटा है तो स्टडी जो है उस हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बड़ा इंडिविजुअल है तो आप उसको डिफरेंट तरीके से, फॉर एग्जांपल लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, वुल्फ्स हैं, तो उनको हम, अब वो साइज़ में तो बड़े हैं, आप बज़ाहिर ये कह सकते हैं कि उनको स्टडी करना इजी है बिकॉज दे आर विजिबल टू नेकेड आई, बट दे आर वेरी शाई एंड एल्यूसिव एनिमल्स। तो ये बहुत, अब यहाँ पे आके आप डिसीजन लेते हैं कि इसको आप स्टडी कैसे करेंगे, तो अब कैमरा ट्रैपिंग है तो वो बड़े रेयर एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एज़ कम्पेयर टू अगर आप आर्थ्रोपोड्स की बात करें, सॉइल में से आप लोग या एंटोमोलॉजी के, अगर आप एंटोमोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं तो आप लोगों को बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि एनिमल्स छोटे हैं, ठीक है, तो वो दे विल बी हार्डली विजिबल, लेकिन एज़ कम्पेयर्ड टू लेपर्ड्स एंड वुल्फ्स जो आपको डिफ़िकल्टीज होती है उनकी स्टडीज़ में, वो इधर नहीं होंगी। यहाँ आप लोगों ने टेक्निक्स डिफरेंट यूज़ करने हैं, सो दे इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्टिव डिसीजन। सब्जेक्टिव डिसीजन मीन्स के वी हैव टू डिसाइड विच काइंड ऑफ टेक्निक्स वी हैव टू यूज़। उसके लिए आपको डेंसिटीज़ का पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल्स की क्या जो है डेंसिटी ट्रेंड्स हैं, और डेंसिटी फाइंड करने के लिए फिर हम ये सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें तो डिटेल्स बहुत है लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक ग्राफ शो हुआ है और वो ये है जो इस आज के हमारे टॉपिक का कंक्लूसिव पॉइंट होगा, वो ये है कि हमने कैसे डिसाइड करना है, हमने इंडिविजुअल्स की एबंडेंस को फाइंड करना है, तो उससे हम
हमारा काम एवरेज इस्टिमेट्स से नहीं, हम एवरेजेस पे नहीं चल सकते, ठीक है। एक स्टडी है फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बर्ड्स की स्टडी हुई है वर्ल्ड वाइड, उसमें बर्ड्स और मैमल्स की स्टडी को कंपेयर किया गया है बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी साइज और वेट, और पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वेयर किलोमीटर। ये डेटा है 350 स्पीशीज ऑफ मैमल्स जिसको रेड में शो किया गया है, एंड 552 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विच इज शोन इन ब्लू कलर। अच्छा, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें डिटेल में तो उसमें नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि ये जो ट्रेंड यहाँ पे शो हो रहा है वो ये है कि बॉडी वेट जितना बढ़ता है तो डेंसिटी उतनी ही कम हो रही है। आप मैमल्स में देखें कि बॉडी वेट केजी के हिसाब से आगे जितना बढ़ रहा है, तो आगे ग्राफ में देखें तो पर स्क्वायर किलोमीटर एबंडेंस और डेंसिटी वो कम हो रही है। जो स्टार्ट में स्मॉलर बॉडी के ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि पर स्क्वायर डेंसिटी उनकी कितनी ज़्यादा है। अब अगर कंपैरिजन में देखें तो बर्ड्स ब्लू में शो हुए हैं और मैमल्स रेड में शो हुए हैं। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है, दिस इज साइंटिफिक डेटा, डेटा फ्रॉम सिल्वा एट ऑल 1997। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है काफ़ी बड़े लेवल का डेटा है, और इसमें यह शो हुआ है कि अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि बर्ड्स फॉर एग्जांपल आर लेस एबंडेंट देन मैमल्स ऑफ इक्विवेलेंट साइज। इस डेटा के मुताबिक सेम साइज के बर्ड्स, बॉडी साइज सेम है लेकिन बर्ड्स आर लेस एबंडेंट देन मैमल्स। आप देख सकते हैं इधर फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो है कि इफ वी वर टू स्टडी अ 1 kg बर्ड वी शुड एक्सपेक्ट अ डेंसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 per square kilometer। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सिमिलर साइज 1 kg मैमल के लिए हमारे पास डेटा क्या शो कर रहा है कि वो 100 है पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखें इधर फॉर एग्जांपल क्या है, बॉडी वेट अगर हम 1 ले लें, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, 1 kg ऑफ बॉडी वेट एंड 1 individual पर स्क्वायर किलोमीटर, ये डेटा क्या शो कर रहा है। 1 का मतलब कि 1 individual पर, ये डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो 1 per square kilometer। तो अगर दोनों 1-1 हो, आप देख सकते हैं कि बर्ड्स में जो ट्रेंड शो हो रहा है हमारे पास मोस्टली ये किधर है कि 1 kg ऑफ बॉडी वेट ऑफ द एवरेज बर्ड्स डेटा शोज कि वो 1 से 10 तक, आप देख सकते हैं इधर ये इतना जो है इसका, ये हम अगर मीन ले लें तो 1 से 10 तक, लाइक 1 से स्टार्ट है और मोस्टली डेटा 10 के अराउंड वो है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इतना ये कम है एज़ कम्पेयर टू। अगर आप मैमल्स देखें तो यही 1 body weight ले लें और ऊपर जाएं तो मैमल्स का डेटा कितना जो है इधर हायर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। देखें 1000 और 100, ठीक है, इस तरह इन्होंने 100 के साथ एग्जांपल ली है पर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप देखें यहाँ तक तो बॉडी वेट सेम है 1 kg, लेकिन अगर इससे हम इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर मैमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कम होती जा रही है जब उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता जाता है। अब ये सारे क्या है, वी हैव टू लुक इन टू दीज थिंग्स, ठीक है, और उसमें यह है कि इन मोस्ट केसेस वी कैन नॉट रिलाई ऑन दीज एस्टिमेट्स ऑफ एवरेज एबंडेंस। अब देखें अगर हम ये कहें कि ओके 1 kg के जो बर्ड्स हैं, 1 kg बॉडी वेट के बर्ड्स वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू मैमल्स, तो ये एक एवरेज एस्टिमेट है, हम इसको एक नए पॉपुलेशन पे नहीं अप्लाई कर सकते, हम उस ट्रेंड को तो स्टडी कर सकते हैं लेकिन हम एवरेजेस पे नहीं चल सकते, बिकॉज वी नीड टू नो इफ फॉर एग्जांपल अ पॉपुलेशन ऑफ फिश इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम ओवर फिशिंग और इफ अ पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स इज इंक्रीजिंग। अगर कोई पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और इंक्रीज हो रही है, सो हमें कंक्रीट ऑथेंटिक क्या चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन चाहिए, हाउ कैन वी एस्टिमेट पॉपुलेशन डेंसिटी। इकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड एन अरे ऑफ टेक्निक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हमें एवरेजेस पे काम नहीं चलाना, हमने अब क्या है प्रॉपर पॉपुलेशन एस्टिमेट करना है और क्या पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेट करनी है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा दैट विल बी कि हम हाउ वी मेजर
एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन ये होगा, आज का टॉपिक हम इस पे वाइंड अप करते हैं। सो दैट इज के रिलायबल क्वांटिटेटिव मेथड्स आर द बैकबोन ऑफ साइंस एंड वन ऑफ द ग्रेट ट्रायम्फ्स ऑफ इकोलॉजिस्ट्स इन द पास्ट 60 ईयर्स हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ दीज मेथड्स टू अ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। अब ये टेक्निक्स थ्रू पास्ट 60 ईयर्स ऑफ साइंटिफिक रिलायबल क्वांटिटेटिव मेथड्स उनके रिजल्ट्स शो हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने मुंह उठा के एक मेथड बता दिया और सब उसको यूज करने लगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स दोज मेथड्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द इकोलॉजिस्ट्स। और इस हिसाब से देयर आर टू ब्रॉड अप्रोचेस टू एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, और वो है एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है? फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर हेक्टेयर और पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एक बड़ा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन एग्जैक्ट। ठीक है, कि आप एक पॉपुलेशन के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि पर स्क्वायर हेक्टेयर और पर स्क्वायर मीटर और किलोमीटर मेरे पास कितने इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्ट्रेट अवे। सो दिस इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। और इन अदर केस वी मे फाइंड इट adequate to know the relative density। और फिर थोड़ा सा हम अगर एक और अप्रोच है हमारे पास, वी कि हम दो populations को comparative, हम exact number find नहीं करते हैं, हम दो different population patches को आपस में relate करते हैं density wise, कि एक population की density ज़्यादा है दूसरे की कम है, हम relative उसको देखते हैं। like this that is for two areas of equal size, area X has more organism than area Y। ठीक है, same size of areas है और उनमें animals की different density है। so this division of approach is reflected in techniques developed for measuring density। अब हम जो है फिर जाएंगे कि एक population के अंदर आप उतरते हो, फिर आपने किस कौन से methods को कब follow करना है for basically for density estimation of populations। अच्छा, यहाँ पे ये important है general life knowledge के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए। इस ये table आपने generally इसको memorize तो नहीं करना, just this is for understanding के किस तरह से density change होती है, लेकिन ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बिकॉज ताकि आप लोग को याद रहे कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जब आप आगे फिर रिसर्चेज में जाओगे तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर हमारे पास होता है 2.47 एकर्स। ठीक है, जो होती है 10,000 स्क्वायर मीटर। फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर्स, जो के बनते हैं 0.386 स्क्वायर माइल्स। तो ये एक कन्वर्जन है, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड डेमोग्राफिक टेक्निक्स हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद डेमोग्राफिक टेक्निक्स। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।